Hello everyone, welcome to the Gateway Classes. I am Neeraj Tomar teaching you Engineering Chemistry. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 और ये होगा हमारा यूनिट 5 का वन शॉर्ट लेक्चर जिसमें हम इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे वन बाय वन सिर्फ इसी वीडियो में. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है हमारा वो है पॉलीमर. यानी पॉलीमर क्या होता है, यानी इस यूनिट का नाम ही हमारा क्या है, पॉलीमर. अब पॉलीमर वर्ड बना है आपका टू वर्ड से, यानी फर्स्ट वर्ड इज पॉली एंड द सेकेंड वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड मेरोज. मेरोज मीन्स पार्ट एंड पॉली मीन्स मैनी. यानी ये जो आपका कॉम्बिनेशन है पॉलीमर, ये आपका बहुत सारे पार्ट्स को कंबाइन करके बना है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर. अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट. यानी इसकी रिपीटिंग यूनिट आपकी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड मोनोमर. अब इसमें आपको क्या देना है, इसमें आपको इसके एग्जाम्पल्स बताने हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीइथीन पीवीसी दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड एंड नायलोन 6,6. यानी इस यूनिट में जितने भी आप पॉलीमर्स पढ़ेंगे वो आप इसमें एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं. अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है मोनोमर्स. यानी अभी हमने बताया कि रिपीटिंग यूनिट जो पॉलीमर की है वो है मोनोमर. अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, हम इसको सेम इसी वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे, मोनोमर्स आर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीमर. अब अगर हमें एग्जांपल देना है मोनोमर का, तो अगर हम कहें कि पॉलीइथीन पॉलीमर है तो उसमें पॉली वर्ड हमने ऐड किया सिर्फ इसलिए कि ये हमारा पॉलीमर है, दैट इज ये मैक्रोमोलिक्यूल है. और जो ये आपका इथीन या इथाइलीन जो वर्ड आया है वो आपका आएगा उसके मोनोमर की वजह से. यानी अगर आप इथीन की बात करेंगे पॉली इथीन में, तो इथीन आपका क्या है, मोनोमर है. और इसी मोनोमर को ऐड करके हमारा क्या बना है, पॉलीमर. यानी ये आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है किसी भी पॉलीमर के लिए. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पॉलीमराइजेशन. यानी अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रोसेस. जिस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, मोनोमर्स को कंबाइन करेंगे किसके थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. और ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग. और ये क्या बनाएगा इसके बाद, पॉलीमर. यानी अब हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमर जब बना मोनोमर्स को कंबाइन करके, तो वो कैसे बना, हर एक मोनोमर कंबाइन हुआ एक दूसरे मोनोमर के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और उन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाया, दैट इज पॉलीमर. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज पॉलीमराइजेशन. अब अगर हम बात करें फंक्शनैलिटी की, तो फंक्शनैलिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे. फंक्शनैलिटी वर्ड आते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, आपको याद आना चाहिए बाइंडिंग साइट. अब हम यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स डिफाइन करेंगे तब हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी की. यानी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स इन अ मोनोमर इज कॉल्ड इट्स फंक्शनैलिटी. यानी अब अगर हम कोई एग्जांपल लें कि अगर मैं किसी मोनोमर की बात कर रही हूँ, कि अगर हमने कोई भी मोनोमर लिया दैट इज इथीन और प्रोपीन. अब इथीन और प्रोपीन क्या है, ये जब भी अपना मोनोमर बनाएंगे दैट इज पॉलीइथीन और पॉलीप्रोपीन, तब क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे. और इनका कंबाइन होने का, यानी उसके पास क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए. अब जैसे ही उसके पास बाइंडिंग साइट्स होंगी तो फर्दर एक दूसरे के साथ ऐड होते चले जाएंगे. और एक नेसेसरी कंडीशन है कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल को आप मोनोमर तब कहेंगे जब उसके पास बाइंडिंग साइट्स कितनी हो, टू. यानी उसकी फंक्शनैलिटी आपके पास मिनिमम टू होनी चाहिए, यानी दैट इज बाय फंक्शनल इन नेचर. अब मैंने ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इथीन एंड प्रोपीन, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है हमारे पास, टू. इसीलिए हमने क्या कहा कि ये हमारे क्या है, एज अ मोनोमर यूज कर रहे हैं हम इनको, किस लिए, पॉलीमर बनाने के लिए. यानी ये पॉलीमर की क्या हो गई, रिपीटिंग यूनिट, दैट इज मोनोमर. अब इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर की डिग्री क्या हो गई, यानी हम उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको ऐड कर रहे हैं. यानी द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर चेन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. यानी जितना n नंबर ऑफ मोनोमर्स हम वहां पे लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m.
अब यहाँ पे आपका कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ पॉलीमर, यानी जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना है उसका यहाँ पे क्या है, मास। अब अगर हम बात करेंगे स्मॉल एम की, वो हमारा किस चीज का मास होगा, जो हमारी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, दैट इज स्मॉल एम, यानी जिसको हमने क्या बोला, मोनोमर बोला है, तो मोनोमर का मास क्या होगा, स्मॉल एम। अब जब हम इसको कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम करेंगे तो वहां पे क्या वैल्यू निकलेगी, दैट इज एन, और इसी एन को हमने क्या बोला, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स, यानी किसी भी पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और क्या एटलीस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जितने भी पॉलीमर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं हो सकते, यानी ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। अब हमारे पास क्या पता है हमें कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी। अब अगर हम बात करें इनके यूज की, तो इजी टू वर्क विद, यानी हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी जो भी पॉलीमर आपके पास बनेगा मोनोमर यूनिट से वो हाईली रेजिस्टेंस क्या होगा, टुवार्ड्स कोरोजन। इसके बाद हम बात करेंगे जनरली दीज आर इंसुलेटर्स बट फ्यू आर कंडक्टर्स, यानी कुछ जो हैं आपके पॉलीमर्स वो आपके कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करेंगे, बाकी आपके जनरली ये इंसुलेटर इन बिहेवियर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स की, यानी इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी इनके मॉलिक्यूलर वेट पे और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और जितने भी आपके मोनोमर्स जुड़ के बनेंगे उनके बीच में जो आपकी कार्बन की जो चेन है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा उस पे डिपेंड करेगा आपका पॉलीमर का नेचर और उसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। जनरली इनमें हमारा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रोंग बॉन्ड होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कभी कभी वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की, यानी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं पॉलीमर को क्लासिफाई करने के। सबसे पहला हमारे पास है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब अगर हम बात करें सेकेंड वे की, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द एक्शन ऑफ हीट। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज हम इसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रोसेस, यानी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे हम इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, की मोनोमर की स्ट्रक्चर या पॉलीमर की स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी, टेक्टिसिटी हम कहेंगे कॉन्फिग्रेशन, और वी कैन से अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट की बात हमने की थी लास्ट टाइम, ये जो हमारे हैं साइड ग्रुप्स और साइड चेन। अब हम इस क्लासिफिकेशन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी मोनोमर के बेसिस पे हम पॉलीमर को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो यानी अगर हमारे पास दो तरीके के नाम है, यानी हम इसको क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से, सबसे पहला होमोपॉलीमर और दूसरा हमारा कोपॉलीमर। अब होमो से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास सेम टाइप का जब मोनोमर है, होमो दैट इज सेम, और कोपॉलीमर यानी डिफरेंट। जब हमें इन डेफिनेशन से इतना याद हो गया, इसके बाद हम इसको इसी चीज को मेंशन करके इनको डिफाइन करेंगे और इनके एग्जांपल्स देंगे। इसके बाद होमोपॉलीमर को हमें डिफाइन करना है, पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम मोनोमर यूनिट, यानी यहाँ पे हम क्या बात करेंगे मोनोमर यूनिट का, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमें मोनोमर बताना है कि सेम टाइप का मोनोमर होगा या डिफरेंट टाइप का होगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि मेरे पास मोनोमर ए टाइप का है जो कि एक तरह का मोनोमर है, और ये फर्दर कंबाइन होके क्या कर रहा है, पॉलीमर बना रहा है, तो हम इसी तरीके से पॉलीमर बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम इसी यूनिट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, तो हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद रह ही जाता है कि हमारा होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है। बट अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो
आप इस तरीके का एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कोपोलीमर की, तो कोपोलीमर में हमारे मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स हमारे डिफरेंट है। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दूं कि हमारे पास टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर है, वन टाइप का मोनोमर दैट इज ए एंड अदर टाइप का मोनोमर दैट इज बी, तो ये कंबाइन हो जाएगा इस फॉर्म में ए बी ए बी अप टू एन टाइम्स। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया है कोपोलीमर का। अब इसकी डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, पॉलीमर्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, टू डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होंगे एक साथ क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म पॉलीमर। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल हमें याद कर लेना है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारा है पॉलीइथीन और इसके बाद है पीवीसी दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड। अब अगर हमें कोपोलीमर के एग्जाम्पल याद करने, यानी जिसमें हमारी मोनोमर यूनिट्स दोनों अलग होंगी, उसके एग्जाम्पल हमारे हैं ब्यूना एस ब्यूना एन नायलोन 6-6, यानी ये एग्जाम्पल हम अभी इनका प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे आगे, तो हमें ये इजीली याद हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे, यानी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी मोनोमर की, अब मोनोमर की क्लासिफिकेशन में हमने होमोपोलीमर और कोपोलीमर पढ़ा, अब कोपोलीमर को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे चार तरीके से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोपोलीमर्स हम पढ़ेंगे फर्दर। अब ये भी हमारे क्या है, फोर टाइप्स हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिंग कोपोलीमर, सेकंड रैंडम कोपोलीमर, देन ब्लॉक एंड द लास्ट वन इज ग्राफ। अब हमें इस इमेज से ये बताना है कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी ये नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग, यानी हमने क्या बात की, कोपोलीमर। अब कोपोलीमर में हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास दो टाइप के मोनोमर है, दैट इज ए टाइप एंड बी टाइप। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा ए टाइप है, तो ये बी टाइप मोनोमर, इसके बाद एज इट इज ये ए और ये बी। अब ये आपका एडजेसेंट जब कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ए बी के साथ, बी के बाद फिर उसका अल्टरनेट दैट इज ए, वो इसी तरीके से पूरा क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके एक पॉलीमर बना रहे हैं, यानी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन हो रही हैं अल्टरनेटिवली। तो इस टाइप के कोपोलीमर क्या होंगे, अल्टरनेटिंग कोपोलीमर। अब अगर हम बात करेंगे रैंडम कोपोलीमर की, तो रैंडम कोपोलीमर क्या होंगे, यानी कोपोलीमर्स आपके जब सिंथेसाइज होंगे और कैसे, रैंडमली। अब रैंडमली कॉम्बिनेशन किसका, मोनोमर्स का। तो अब यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी, ये ए ए ए बी ए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी रैंडमली ए अरेंज है बी के साथ और बी के साथ रैंडमली अरेंज है ए, तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए हमने क्या बोला, रैंडम कोपोलीमर। अब इसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉक कोपोलीमर की, तो ब्लॉक में क्या है कि हमारा पॉलीमर कैसे बनेगा, मोनोमर से जुड़ के, और मोनोमर कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के। तो अगर मैं ये कहूं कि ये ए का ब्लॉक है और ये बी का ब्लॉक और ये फिर से ए का ब्लॉक है, यानी ए ने अपने ब्लॉक्स बनाए, यानी मल्टीपल टाइम्स ऐड होके ए का ब्लॉक बन गया, फिर उसके बाद बी ने अपने मल्टीपल टाइम्स ऐड होके बी के ब्लॉक्स बनाए, देन फर्दर ए के ब्लॉक्स बी के साथ ऐड हुए, यानी ये अल्टरनेटिंग ऐड हो रहे हैं, ए का ब्लॉक, बी का ब्लॉक, देन फिर से ए का ब्लॉक, देन बी का ब्लॉक, यानी ब्लॉक्स ऑफ होमोपॉलीमर यूनिट। यानी होमोपॉलीमर यूनिट आपकी क्या है, ए और यहाँ पे बी, यानी इसी का मल्टीपल टाइम्स होमोपॉलीमर कंबाइन होके क्या बना लिया, ये होमोपॉलीमर, और इसके जो ब्लॉक्स बने ये फर्दर कंबाइन हुए आपके पास दूसरे पॉलीमर के, और ये दूसरे पॉलीमर के क्या है, ब्लॉक्स हैं, और ये भी क्या है, आपके होमोपॉलीमर ब्लॉक्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ्ट कोपोलीमर की, तो ग्राफ्ट कोपोलीमर में आपको ये चेन दिखाई दे रही है दैट इज स्केल्टन, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा होमोपॉलीमर है। अब ये होमोपॉलीमर चेन किसके साथ जॉइंट है, ये हमारी बी पॉलीमर के साथ, ये भी क्या है, ये भी बी और फर्दर ये भी बी, यानी ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड जो स्केल्टन है, यानी ये आपका स्टैंडर्ड क्या है, होमोपॉलीमर, और ये फर्दर किसके साथ जुड़ा है, चेन की टाइप्स में हमारे दूसरे मोनोमर के साथ। तो यानी ये आपको चार तरीके की क्लासिफिकेशन कोपोलीमर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, यानी हीट के बेसिस पे, यानी जब हम पॉलीमर को हीट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी। तो सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक, और सेकेंड आपका थर्मोसेटिंग।
अब इसमें हमें इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है, और कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, तो आपको ये इस तरीके से बताना है। इनको आप क्या बोलते हो, रेजिन भी बोलते हो। अब हमें ये बताना है कि ये किस तरीके के होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी। अब अगर मैं बात करूं थर्मोप्लास्टिक की, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन से। यानी ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये एडिशन से बनता है। अब अगर इसके लिंकेज की बात करें कि इसमें किस तरीके का बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर इसकी हम बात करें, ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन एंड ऑन कूलिंग बिकम्स हार्ड। यानी ये हमारा क्या होता है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और कूलिंग के बाद हार्ड हो जाता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। यानी अगर हम इसको हीट करेंगे तो इट बिकम्स स्टिफ एंड हार्ड। अब अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज भी कर सकते हैं एंड रीमोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन थर्मो सेटिंग में हम क्या करेंगे कि अगर वो एक बार सेट हो गए किसी टेम्परेचर पे, किसी प्रॉपर्टी में, किसी शेप में, तो हम उनको रीमोल्ड भी नहीं कर पाएंगे और उनकी रीमोल्डेड प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए हम उनको रीयूज नहीं कर पाएंगे। अब अगर इनकी बात करें, ये होते हैं सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल। लेकिन अगर इनकी बात करें, ये जस्ट अपोजिट है इनके, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ एंड मोर ब्रिटल। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोल्यूबल है, लेकिन ये क्या है, इनसोल्यूबल है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर विद नो क्रॉस लिंकेज। लेकिन इनमें क्रॉस लिंकेज भी होती है, और इसीलिए ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास है पीसीबी, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बेकेलाइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी जब पॉलीमर सिंथेसाइज हो गया आइदर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो हम उसकी स्ट्रक्चर देख के क्या बता सकते हैं कि ये किस तरीके से क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर कैसा होगा, ये होगा हमारा लॉन्ग स्ट्रेट चेन विदाउट एनी स्ट्रेट चेन। यानी अगर ये एग्जाम्पल में हम देखें, तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इसीलिए हमने इसको बोला लीनियर पॉलीमर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अब इसमें अगर हम बात करें ब्रांच पॉलीमर की, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी। तो यानी अगर ब्रांचिंग का आप इस तरीके से, ये आपने क्या दिखाया कि ये आपका स्टैंडर्ड स्केलेटन और इसकी ये क्या है, ये आपकी ब्रांचेस हैं, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये कैसा पॉलीमर है, ये ब्रांच पॉलीमर है। अब क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करें, तो ये क्या है, मोनोमरिक यूनिट लिंक टुगेदर इनटू थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। यानी अगर हम बात करें क्रॉस लिंक की, तो यहाँ पे आपकी स्केल्टन कितनी है, मोर देन वन, और ये फर्दर स्केल्टन आपकी कंबाइन हो रही है वाया ब्रांचिंग, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये हमारे क्या है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट नेटवर्क पॉलीमर। अब नेटवर्क पॉलीमर हम पहले नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या है, वेब टाइप नेटवर्क बनेगा। अब इसको हमने क्या बोला, ये भी हमारा क्या है, थ्री डायमेंशनल नेट मेड आउट ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूलर स्ट्रिंग। यानी ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, इस तरीके से ये आपका एक बड़ा सा नेट टाइप पॉलीमर बना लिया। ये आपके क्या है, नेटवर्क पॉलीमर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेपरेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम पॉलीमर को किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, यानी हमारी पॉलीमराइजेशन टेक्निक क्या हो सकती है। सबसे पहली कंडेंसेशन, जो अभी हमने लास्ट में भी पढ़ी कि हमारा क्या था,
हमारा थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर सिंथेसाइज हो रहा है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से हो रहा है, और जो हमारा थर्मोसेटिंग है वो हमारा कंडेंसेशन से हो रहा है। अब यहाँ पे ये आपका क्या आता है, सेकंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये हमारा क्या है, कंडेंसेशन हमेशा आपको याद रखना है कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, यानी इसमें जब भी आपका पॉलीमर बनेगा स्टेप्स में बनेगा, लेकिन यहाँ पे जब भी आपका पॉलीमर बनेगा वो आपका चेन ग्रोथ होगा, यानी आपकी जैसे जैसे चेन इंक्रीज होनी शुरू होगी यानी चेन में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही आपका पॉलीमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या आएगा, ये कैसे मोनोमर्स आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देंगे जिनमें आपका रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एडिशन की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। और सबसे मेन आपको एक डिफरेंस इसमें याद करना है कि जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी यानी मोनोमर से हमारा पॉलीमर बनेगा, यानी जो प्रोसेस होगी दैट इज पॉलीमराइजेशन, वो हमारी कंडेंसेशन तब होगी जब हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल होगा, दैट इज वाटर, NH3, HCl। और यहाँ पे एडिशन में कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मोनोमर्स कैसे होंगे, मोनोमर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे एडिशन में क्या होगा, मोनोमर सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्टेप्स में होगी। यहाँ की रिएक्शन आपकी कैसी होगी, रिएक्शन इज फास्ट एंड पॉलीमर इज फॉर्म्ड एट वंस, यानी पॉलीमर आपका एक साथ बनना शुरू हो जाएगा जैसे ही आपकी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या आता है, द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस थ्रू आउट, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास थ्रू आउट द रिएक्शन इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे वेरी लिटिल चेंज इन द मॉलिक्यूलर मास, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास में चेंज समझ में आएगा हम लोगों को, जो दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। अब अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो बेकेलाइट, पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड्स, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। पॉली इथाइलिन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरिन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के। अब इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी, यानी टेक्टिसिटी वर्ड आते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, अरेंजमेंट और कॉन्फिग्रेशन, और अरेंजमेंट किसका, साइड ग्रुप्स एंड साइड चेन, और ये आपका कहाँ होगा, जो हमारी पॉलीमर की चेन है उसमें। अब अगर मैं बात करूँ कि टेक्टिसिटी के बेसिस पे हम इसको तीन तरीके से क्लासीफाई करेंगे फर्दर, नंबर वन आइसोटेक्टिक, सेकेंड सिंडियोटेक्टिक, एंड द लास्ट इज अटेक्टिक। अब अगर मैं बात करूं कि आइसोटेक्टिक, तो यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ये हमारे क्या होंगे, सेम साइड, दैट इज आइसो सेम। तो यहाँ पे ये जो आपको आर ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये आर ग्रुप क्या है, सेम साइड हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया है आइसोटेक्टिक। अब अगर बात करें सिंडियोटेक्टिक की, तो सिंडियोटेक्टिक में हम क्या बात करेंगे कि वो कहाँ पे होंगे, हमारे साइड चेन्स या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो होंगे हमारे अल्टरनेट फैशन या फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा उनका। अब अगर यहाँ पे अल्टरनेट की बात करें, तो ये आर यहाँ पे, इसके अल्टरनेट में ये आर अबव, और इसके अल्टरनेट में ये आर यहाँ, और इसके अल्टरनेट में ये आर यहाँ पे। तो यानी जब भी हमने बात करी सिंडियोटेक्टिक की, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट हमारा होगा वो अल्टरनेट होगा। यानी आर ग्रुप की अगर मैंने बात की, तो यहाँ पे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि आर एक दूसरे आर के साथ अल्टरनेट साइड पे प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं अटेक्टिक की, तो यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट रैंडम है। तो ये इमेज में देखो एक बार कि ये आपका आर यहाँ पे है, ये दूसरा आर सेम साइड पे, और ये यहाँ पे, ये इसके साथ अल्टरनेट साइड पे, तो यानी इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये है आपका आइसो, दैट इज सेम साइड, और सिंडियोटेक्टिक है आपका अल्टरनेट साइड, और ये हो गया है हमारा रैंडम अरेंजमेंट। यानी जब भी रैंडम की बात करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, वो हमारा पॉलीमर कैसा है, अटेक्टिक पॉलीमर। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपरेशन की। अब हमारे पास, हमारे सिलेबस में है पॉलीमर का प्रेपरेशन,
और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके यूजेज। तो अब हम नंबर इसमें नंबर वन पे पढ़ेंगे नायलॉन 6 और वन बाय वन बाकी पॉलीमर्स की प्रेपरेशन, यूजेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है, सबसे पहला नायलॉन 6, तो यानी नायलॉन 6 हमारा क्या है, पॉलीमर। तो पॉलीमर मैंने क्या बताया कि पॉलीमर कैसे बनेगा, मोनोमर से कंबाइन करके, और मोनोमर कितने टाइम्स कंबाइन करना है, एन टाइम्स। तो यानी अगर मुझे ये पता है कि नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलेक्टम है, अब कैप्रोलेक्टम का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी ये आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आपको इसकी स्ट्रक्चर पता चली कि आपको ये पता है कि इसमें क्या है, CH2 5 टाइम्स और NH और C डबल बॉन्ड O, आपके यही सारे ग्रुप्स आपके रिंग की फॉर्म में अटैच हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ से, यानी ये आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है, आपने जैसे ही किसी रिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो ये दोनों साइड से इसके ओपन एंड्स हो जाएंगे। तो उस ओपन एंड में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तरफ आपको सी डबल बॉन्ड ओ रखना है और एक तरफ आपको NH ग्रुप रखना है। यही सेम चीज हमने किया, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इसकी क्या है, न्यू बाइंडिंग साइट। तो ये आपका क्या बन गया है, नायलॉन 6, और ये पार्ट इसका एज इट इज CH2 5 times, ये आपने इसको एज इट इज रखा, ये आपका क्या बन गया है, नायलॉन 6। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की और इसके एप्लीकेशन की। यानी अगर हम कहें कि नायलॉन 6 क्या है, टफ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक इन नेचर एंड हैव शाइन। अब एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि नायलॉन 6 को हम कहाँ यूज करते हैं, नायलॉन 6 इज यूज्ड इन गियर्स, फिटिंग्स एंड बियरिंग्स, इन टूथब्रशेस, इन गिटार्स, सितार्स, वायलिन और मेकिंग थ्रेड्स, रॉप्स एंड नेट्स। अब हम बात करेंगे इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, इनका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एनवायरमेंट पे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें नायलॉन 6 प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलेक्टम। यानी हमने कैप्रोलेक्टम एज ए मोनोमर यूज़ किया और उसकी रिएक्शन कराई, कैसे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, यानी हाई एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यानी इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसमें हम सेकेंड स्टेप डिफाइन करेंगे इसी में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में, वाटर कंजप्शन। यानी जब हम इसका सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6 रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो रही है और किसमें, हमारे रॉ मटेरियल के सिंथेसिस में, एज वेल एज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी रॉ मटेरियल्स को बनाने में भी और पॉलीमर को सिंथेसाइज करने में भी, यानी दोनों ही स्टेप्स में हमारा क्या हो रहा है, वाटर कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6 कैन देयरफॉर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लोकल वाटर रिसोर्सेज। यानी ये हमारा इम्पैक्ट होगा किस पे, लोकल वाटर रिसोर्सेज पे, यानी वाटर की स्कार्सिटी भी हो सकती है, यानी पानी की कमी भी हो सकती है। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे लैंडफिल वेस्ट। नायलॉन 6 इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी ये हमारा नायलॉन 6 जो पॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है एंड कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू ब्रेक डाउन इन लैंडफिल्स। यानी ये डीकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दिस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट वेस्ट मैनेजमेंट इशू। यानी हम क्या कर रहे हैं कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट इशू करने, ये इशूज राइज होंगे इसको डिग्रेड करने में, और जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिसाइकलिंग चैलेंजेस, यानी ये बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है तो इसकी रिसाइकलिंग में भी क्या होगा, इश्यूज आएंगे। यानी यही इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। नायलॉन 6 कैन बी रिसाइकल्ड, यानी हमने ये तो कहा कि इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, लेकिन अगर हमें रिसाइकल करते हैं, यानी डीकम्पोज तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये रिसाइकल होता है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक मेथड चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक रिसाइकलिंग प्रोसेस।
दैट इज नॉट वाइडली अवेलेबल, यानी वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस मेक्स रिसाइकलिंग ऑफ नायलॉन 6 मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली देन अदर मटीरियल्स। यानी इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस के चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे पास एक तो सुटेबल प्रोसेस नहीं है, और वो अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। अब इसके बाद आता है सेकेंड, नायलॉन 6-6। अब नायलॉन 6-6 हमारे पास क्या है, ये हमारा है कोपोलीमर। यानी अगर आपको कोपोलीमर का एग्जांपल देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मोनोमर्स हैं वो दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट, यानी एक ए टाइप का और दूसरा बी टाइप का। तो यानी यहाँ पे इसका मोनोमर सबसे पहला क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और सेकंड है एडिपिक एसिड। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे CH2 और इसका 6 टाइम्स। अब यहाँ पे आपके फॉर्मूले में क्या है, डाइअमीन दैट इज NH2 ग्रुप, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ NH2 ग्रुप ऐड कर दोगे। और जब भी हम मोनोमर ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे n टाइम्स, यानी n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। अब इसके बाद आता है एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड है हमारे पास, तो यानी उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये सेम इसी तरफ यहाँ पे इस पे दोबारा C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने हैं एडिपिक एसिड में, 4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। अब यहाँ से आप एक एच यहाँ से रिमूव करेंगे, एक एच यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, ये OH और ये OH। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो अगर ये H यहाँ से रिमूव हो गया और ये H यहाँ से और यहाँ से दोनों OH, तब यहाँ पे क्या बचेगा, N के पास सिर्फ एक H बचेगा और ये इसकी बाइंडिंग साइट। इसी तरीके से ये हमारा सेम एज इट इज बचेगा, यानी CH2 6। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास फिर से सिंगल एक एच बचा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका इस OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के एलिमिनेट हो गया है। अब इसी तरीके से आपको इसको यहाँ से कंबाइन करना है, यानी C डबल बॉन्ड O से, क्योंकि यहाँ से आपका OH ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ से जब OH रिमूव हो गया, तो यहाँ पे इसकी एक बाइंडिंग साइट ओपन है और ये दोनों मोनोमर्स आपके एन टाइम कंबाइन हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से पॉलीमर कंप्लीट करके लिख देंगे। अब इसके बाद क्या आता है, नायलॉन 6-6 की प्रॉपर्टीज, दिस इज लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंस एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका यूज हम करते हैं, यूज इन पैराशूट्स, टू मेक स्विमवेयर्स, यूज टू मेक मशीन पार्ट्स, यानी जितने भी मशीन के पार्ट्स बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, नायलॉन 6-6। अब अगर हम बात करें एयर बैग्स, सॉक्स, कारपेट्स, रॉक्स एंड टायर्स, तो ये भी हमारे किससे बनते हैं, नायलॉन 6-6, यानी नायलॉन 6-6 पॉलीमर से। अब हमें क्या बताना है कि इसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो सेम एज इट इज एनर्जी कंजप्शन। अब जैसे ही एनर्जी कंजप्शन की बात हम करेंगे, तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं लार्ज अमाउंट, और जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उनसे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, और जो क्या करनी है, दैट कंट्रीब्यूटिंग इन क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें वाटर कंजप्शन की, तो एज इट इज पहले की तरह इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6-6। द वाटर यूजेज कैन बी फर्दर लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी एंड डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। यानी ये क्या कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज को कम कर रहा है, यानी उनकी क्वांटिटी और पानी की कमी भी आ सकती है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या आता है, वेस्ट जनरेशन, यानी यहाँ पे जब हम नायलॉन 6-6 को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जनरेट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेस्ट, जिसमें हमारा क्या है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारा क्या इंक्लूड करेगा, नायलॉन स्क्रैप एंड ट्रिमिंग्स, यानी उसके छोटे छोटे स्क्रैप्स और ट्रिमिंग, विच में एंड अप इन लैंडफिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी जिनकी वजह से क्या होगा, अगर आप उसको
अपने अर्थ के सरफेस पे इसी तरीके से ओपन छोड़ देते हैं, यानी डीकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो वो इजिली डीकम्पोज नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। अब इसके बाद आता है केमिकल पोल्यूशन। अब केमिकल पोल्यूशन में आप लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ नायलोन 6,6 इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस केमिकल्स, जिसमें आपका क्या आता है एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड क्या है ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है एंड ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट, यानी ये एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है और ह्यूमन बींग के लिए भी। दीज केमिकल्स कैन बी रिलीज इन टू द एयर वाटर एंड सोयल पोटेंशियली कंटामिनेटिंग सराउंडेड इकोसिस्टम, यानी ये हमारे इकोसिस्टम को स्पॉइल कर रहा है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉलीमर, दैट इज ब्यूना एस। अब ब्यूना एस में जैसे ही आपका ब्यूना वर्ड आया तब आपको क्या याद रखना है, इसका मोनोमर ब्यूट 1,3-diene, या फिर आप लिख सकते हैं ब्यूटा 1,3-diene। तो इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही आपको ये मोनोमर इसका पता चला और हमें क्या करना है, n टाइम्स मोनोमर यूनिट ऐड करनी है, और S S से हमें क्या पता चला कि इसका मोनोमर है स्टायरीन। अब स्टायरीन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग में इस तरीके से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको भी हम क्या करेंगे n टाइम्स ऐड करेंगे, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे इसको इन दोनों मोनोमर्स को ऐड करेंगे। अब जैसे ही ये दोनों मोनोमर्स हम ऐड करने लगेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी मोनोमर में कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको एलिमिनेट करेंगे, या फिर जहां पे सैचुरेशन होगा दैट इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बाइंडिंग साइट्स बनेगी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो रहा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सैचुरेशन यहाँ शिफ्ट होगा। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इसकी ये बाइंडिंग साइट दिखानी है, ये आपके पास हो गया CH2 और आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। अब इसके बाद आपका एज इट इज CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से इसके साथ कंबाइन करने के लिए ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसको भी एज इट इज ऐड कर देना है, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH के पास भी क्या हो जाएगी न्यू बाइंडिंग साइट, और आप इसको क्या करोगे ये बेंजीन रिंग एज इट इज ड्रॉ कर दो, और ये आपका क्या हो गया एंड टाइप, यानी ये जो आपका पॉलीमर बना दैट इज ब्यूना एस। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये है हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी है इसके पास, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, स्वेल्स इन ऑयल एंड सोलवेंट। अब अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जो हमारे शूज के सोल होते हैं ये हमारे किससे बने होते हैं ब्यूना एस दैट इज रबर। ये आपका क्या है गैस्केट, यानी जब भी हम किसी चीज को एयर टाइट कंटेनर्स को देखते हैं तो उनमें क्या होती है रबर, और वो सीलेंट की तरह वर्क करती है, वो क्या होती है गैस्केट्स होती हैं, तो वो भी हमारी किससे बनी होती है हमारी ब्यूना एस से। अब जो हमारे च्युइंगम्स हैं उनमें भी क्या यूज होता है ब्यूना एस एज अ सीलिंग एंड बाइंडिंग एजेंट, कार मोटरसाइकिल स्कूटर्स एंड साइकिल टायर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये सारी चीजें हमारी बनाई जाती हैं ब्यूना एस से। अब इसके बाद सेम हमें इसका क्या बताना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताना है, तो सबसे पहला क्या होगा एयर पोल्यूशन, यानी जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ ब्यूना एस की बात करेंगे तब हम पे हम क्या बात करेंगे एमिशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VOC एंड हजार्डस एयर पोल्यूटेंट सच एज ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन एंड बेंजीन। तो ये सारे केमिकल्स क्या हैं, दीज केमिकल्स कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड ग्राउंड लेवल ओजोन विच डैमेज क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशन, यानी जिसकी वजह से क्या होगा क्रॉप्स भी डैमेज हो जाएंगी एंड अदर वेजिटेशन।
अब इसके बाद क्या आता है, वाटर पॉल्यूशन, यानी ब्यूना एस प्रोडक्शन ऑल्सो जनरेट वेस्ट वाटर दैट कैन कंटेन हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी जिसमें क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, और वो पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, हैवी मेटल सॉल्वेंट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट्स और ये सारे जितने भी हैवी मेटल्स होंगे ये क्या करेंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे। दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, यानी जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होंगे उनकी लाइफ के लिए भी ये क्या है, हार्मफुल है। एंड ऑल्सो कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस, यानी अगर इसको इसी तरीके से हमने पानी में प्रोडक्ट्स को डाल दिया तो ये क्या करेंगे, वाटर को भी, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस को भी स्पॉइल करेंगे। इसके बाद आता है एनर्जी कंजप्शन, यानी जैसे हमने पहले बताया कि प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हाई एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, तो वो एनर्जी कंजप्शन क्या करेगा, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेट। इसके बाद आता है ब्यूना एन। अब ब्यूना से हमें सेम वही मोनोमर याद रखना है, दैट इज 1,3-butadiene, और एन स्टैंड फॉर एक्राइलो नाइट्राइल। अब इसका फॉर्मूला हमें याद हो गया है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी अब आपको इसको ऐड करना है एक्राइलो नाइट्राइल के साथ। तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH और नाइट्राइल ग्रुप है तो आपके पास आ जाएगा CN। अब ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो यहां नहीं है, सारे क्या हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो अब आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ये सैचुरेशन आपका कहां जाएगा, मिडिल में। तो यही सेम चीज हमने की कि ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, न्यू बाइंडिंग साइट दैट इज CH2। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर अब आ गया सिंगल बॉन्ड, अब ये आपका हो गया CH, और ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ है यहां। अब इसके बाद आपका एज इट इज, यानी कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन है उतनी ही रहेंगी, आपको हाइड्रोजन में कभी भी कम ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करना है और इस सैचुरेशन को यहाँ शिफ्ट कर देना है। इसके बाद आपका एज इट इज CH2। अब हमें इस मोनोमर को इस मोनोमर से ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका भी डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब जैसे ही इसका डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे ये जो कार्बन है CH2 ये जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी ये आपने ऐड किया यहाँ पे। अब जैसे ही आपने ये ऐड किया बॉन्ड ब्रेक करके, तो जैसे इस कार्बन की न्यू बाइंडिंग साइट आपने इधर जोड़ दी तो इसकी बाइंडिंग साइट आपको ओपन दिखानी पड़ेगी, दैट इज न्यू बाइंडिंग साइट ऑफ दिस कार्बन, यानी जो कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है और एक CN ग्रुप है। तो यानी आपने एज इट इज बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों को कंबाइन कर दिया, और आपने क्या दिखाया कि दोनों कार्बन जो आपके एंड पे हैं, यानी इस कार्बन की और इस कार्बन की न्यू बाइंडिंग साइट शो की, और एन नंबर आपने वहां पे ऐड कर दिया, यानी ये दोनों मोनोमर एन टाइम्स ऐड होके क्या बना रहे हैं, ब्यूना एन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी की प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। अब ये क्या है, हाईली पोलर एंड ऑयल रेजिस्टेंट। अब अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ब्यूना एन, यानी जितने भी कन्वेयर बेल्ट में वहां पे जो रबर यूज होती है वो हमारी किससे बनी है, ब्यूना एन। सेल्स एंड गैसकेट प्रोटेक्टिव ग्लव्स, यानी जितने भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो आपके बनते हैं वो हमारे बनते हैं ब्यूना एन से, और एरोनॉटिकल एप्लीकेशन में भी हमारा ब्यूना एन का यूज है। टैंक लाइनिंग एंड जितने भी एडिसिव्स वो हमारे किससे बने हैं, ब्यूना एन से। इसके बाद हम दोबारा से बात करेंगे ब्यूना एन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, यानी हमें ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉपर्टी और यूजेस हर एक मोनोमर के लिए याद करने ही हैं। इसके बाद हमारा आता है सबसे पहला प्रोडक्शन, यानी इसके प्रोडक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम बेस्ड फीड स्टॉक एंड वेरियस केमिकल्स, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें डिस्पोजल, अगर हम ब्यूना एन को डीकम्पोज करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सो इट विल परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, यानी अगर हमने इसको प्रॉपरली
डिस्पोज नहीं किया तो ये एनवायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। इसके बाद आता है रिसाइकलिंग, यानी रिसाइकलिंग में क्या इशू आएगा। वाइल ब्यूना एंड रबर कैन बी रिसाइकल्ड द प्रोसेस इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज रिसाइकलिंग अदर मटेरियल्स, यानी जैसे हम अदर मटेरियल्स की प्लास्टिक की या मेटल की रिसाइकलिंग करते हैं, इसकी रिसाइकलिंग इतनी सिंपल नहीं होगी। दिस मीन्स दैट रिसाइकलिंग ब्यूना एंड प्रोडक्ट इज लेस कॉमन, यानी इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस कॉमन नहीं है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू वेस्ट एंड पॉल्यूशन। यानी रिसाइकलिंग में इसका इशू ये आएगा कि इसका रिसाइकलिंग कॉमन नहीं है और उसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। अब अगर हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो हेल्थ में क्या होगा, ब्यूना एंड रबर कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल इनटू द एनवायरनमेंट सच एज एक्राइलोनाइट्राइल, यानी हमने इसका मोनोमर क्या यूज किया है, एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि हमारा क्या है, कार्सिनोजन, यानी इससे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी ये क्या है, हमारा हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी। अब अगर इसकी हम बात करें नेक्स्ट पॉलीमर की, दैट इज डेक्रोन। अब हम डेक्रोन को क्या बोलते हैं, डेक्रोन को हम बोलते हैं PET, यानी पॉली एथिलीन टेरेपेथिलीन। अब इसको आपको कैसे बनाना है, यानी इसकी मोनोमर यूनिट हमें पता होनी चाहिए, यानी सबसे पहले इसकी मोनोमर यूनिट है एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल को हमें ऐड करना है टेरेपेथिलिक एसिड। अब जैसे ही मोनोमर यूनिट का नाम याद हुआ तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब जब हमने बात की एथिलीन ग्लाइकोल तो यहाँ पे आपका क्या है, ये अल्कोहल है, दैट इज OH ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, OH ग्रुप लगा देंगे दोनों साइड में। और ये एथिलीन की बात हो रही है तो यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो यानी आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों तरफ OH बॉन्ड। और ये एन टाइम्स, यानी जब भी मोनोमर को ऐड करेंगे तो हम करेंगे एन नंबर ऑफ टाइम। टेरेपेथिलिक एसिड में हमें कुछ भी नहीं करना है, बेंजीन रिंग के दोनों साइड पे हमें क्या ऐड कर देना है, सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप। अब ये जब आपको स्ट्रक्चर्स पता है कि किस तरीके से आपने बेंजीन रिंग बनाई, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स लिए, तो अब आपको इनको ऐड किस तरीके से करना है। अभी तक हमने क्या किया कि एक तरफ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव किए और एक तरफ से दोनों OH ग्रुप, लेकिन डेक्रोन के केस में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि हमें इसी मोनोमर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, यानी एक साइड से आपका H और दूसरी साइड से OH। इसी तरीके से टेरेपेथिलिक एसिड में भी सेम वही चीज की एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH। अब अगर मैं कहूं कि इस तरफ से H रिमूव किया और इस तरफ से OH, तो सेम एज इट इज उसमें भी कि यहां से एक H रिमूव किया और यहां से OH। अब इसको एज इट इज हमें कंबाइन कर देना। अब यहां पे क्या बचा, बाइंडिंग साइट O CH2 और इस तरफ आपका बचा O, यानी ये O आपका कहां कंबाइन हो रहा है, इस C के साथ, यानी यहां पे आपने OH रिमूव कर दिया और ये आपने क्या किया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये एज इट इज यहां पे, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और O, तो ये सेम एज इट इज हमने इसको कंबाइन कर दिया इस तरफ से इस CH2 के साथ, यानी ये O कंबाइन हुआ इस CH2 के साथ और हमने एज इट इज इसको यहाँ पे लिख दिया। ये कार्बन हमारा अटैच्ड है इस बेंजीन रिंग से और इस बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे क्या बचा, OH ग्रुप एग्जिट हो गया है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, CO, और यहाँ पे इस CO में C के साथ जब O ऐड हुआ है तब वो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ। यानी आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास ये एसिडिक ग्रुप है तो इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, यानी ये चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपके पास अगर एसिडिक ग्रुप है तब वहां पे आपके पास कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक आपका OH ग्रुप। तो ये इसी तरीके से कंबाइन करके आपका बना पॉलीमर
डेक्रोन और जिसको हम बोलते हैं पीईटी। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये है रेजिस्टेंस टू मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो हम इसको यूज कर रहे हैं यूज्ड इन रॉप नेट थ्रेड एंड इन मेकिंग रेनकोट, यानी इसकी ये क्या है एप्लीकेशन। इसके बाद हम दोबारा से क्या पढ़ेंगे, हर एक पॉलीमर की जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट, तो इसका भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है एनर्जी कंजप्शन, यानी इस पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए क्या है हाई एनर्जी का यूज हो रहा है, और जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। इसी तरीके से पॉल्यूशन का डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जब भी हम डेक्रोन का सिंथेसिस करेंगे किस तरीके से, यानी दोनों मोनोमर्स को ऐड करके, तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे होंगे वो होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या होगा दैट इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। अब इसके बाद बात करेंगे लैंडफिल वेस्ट की, यानी यहाँ पे क्या होगा डेक्रॉन प्रोडक्ट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी आपने चीज नोटिस करी कि ये जितने भी पॉलीमर्स हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दिस रिजल्ट्स इन लैंडफिल वेस्ट विच कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल लैंडफिल स्पेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक की, यानी डेक्रॉन के केस में क्या होगा कि अगर हम इसको डिग्रेड करने की बात करें, यानी बहुत टाइम तक हम इसको छोड़ दें, तो ये प्रोडक्ट क्या होंगे दैट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इन स्मॉलर पीसेस को हम क्या बोलेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होंगी ओशियन में सोयल में क्या करेगी और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, दैट आर हार्मफुल। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉलीमर की, दैट इज ल्यूसाइट। अब ल्यूसाइट में हमें क्या याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज पॉली मेथाइल मेथाक्राइलेट, यानी PMMA। ये है हमारा PMMA। पॉली वर्ड इज फॉर पॉलीमर, M इज फॉर मेथिल एंड MA इज फॉर मेथाक्राइलेट। अब इसके बाद आपको जैसे ये पता चला कि ये क्या है पी वर्ड दैट इज फॉर पॉलीमर, तो आपको क्या पता चला कि MMA इसका क्या है मोनोमर। अब MMA क्या है मेथिल मेथाक्राइलेट। अब जैसे ही आपको इसका नाम पता चलेगा तो आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे ही ये मोनोमर पता है और हमें क्या पता है कि n नंबर ऑफ पॉलीमर मोनोमर ऐड करके हमें क्या बनाना है पॉलीमर बनाना है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से बाइंडिंग साइट दिखाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा n और ये बॉन्ड ब्रेक आपका क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे आ जाएगा आपका एज इट इज CH3 और ये एज इट इज COO CH3। मतलब ये आपका अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें हमने मोनोमर क्या लिया मेथिल मेथाक्राइलेट, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड बाइंडिंग साइड दिखा देनी है और एंड टाइम्स इसको एज इट इज एड कर देना है, ये आपका क्या है PMMA जिसको हम क्या बोलते हैं ल्यूसाइट। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं दैट इज गुड शॉक रेजिस्टेंस एबिलिटी, यानी ये जितने भी आपके हाईली शॉक होते हैं थर्मल शॉक ये सारी चीजों को बेयर कर सकता है। इट इज कलरलेस एंड हाईली ट्रांसपेरेंट। अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो जितनी भी बॉट शील्ड्स होती हैं ये हमारे किससे बनती हैं ल्यूसाइट से बनती हैं। कैमरा लेंसेज में इसका यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में स्टॉप लाइट्स एंड टेल लाइट्स इसके एप्लीकेशंस हैं ये। इसके बाद हम बात करेंगे एज इट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब अगर हम बात करें PMMA की, तो ये क्या होगा द प्रोडक्शन ऑफ PMMA इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जहां पे भी आपका फॉसिल फ्यूल का यूज होगा तो आपको ये लाइन एज इट इज
लिख देनी है कि वहां पे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और जिसकी वजह से क्या होगा पॉल्यूशन। अब अगर बात करें ल्यूसाइट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, यानी अगर इनका डिस्पोजेबल प्रॉपरली नहीं किया तो ये क्या करेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इफ ल्यूसाइट एंड्स अप इन अ लैंडफिल इट मे टेक 100 ऑफ ईयर टू ब्रेक डाउन, यानी ये ब्रेक डाउन होने में क्या करेगा 100 ऑफ ईयर्स चाहिए जो कि रिलीज करेगा टॉक्सिक केमिकल्स एंड माइक्रो प्लास्टिक्स इन टू द एनवायरमेंट, यानी ये क्या करेगा अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। इसके बाद बात करेंगे ल्यूसाइट हैज सम एनवायरमेंटल बेनिफिट, यानी अगर बेनिफिट की बात करें तो ये क्या है इट इज ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग विच मीन्स इट कैन बी यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी ये क्या है ड्यूरेबल है और हम इसको लॉन्ग लास्टिंग की वजह से इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वेयर इट कैन बी यूज फॉर विंडोज रूफिंग एंड इंसुलेशन। अब अगर इसके बाद बात करें ल्यूसाइट इज ऑल्सो रिसाइकलेबल, यानी हम इसको इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं एंड इट कैन बी टर्न इन टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी रिसाइकिल करके इसको रीयूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग न्यू एक्रेलिक शीट एंड अदर प्लास्टिक मटीरियल्स, यानी जब हम किसी भी चीज को रिसाइकिल करेंगे तो हम फर्दर उसको किसी नए प्रोडक्ट्स में यानी प्लास्टिक के मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉलीमर की केवलार, केवलार में हमारा क्या है एक मोनोमर एज इट इज जो हमने डेक्रोन में पढ़ा है, डेक्रोन में हमारा क्या था टेरेपैथलिक एसिड, यहाँ पे क्या है टेरापैथलिक क्लोराइड, यानी बेंजीन रिंग में जो साइड में दो फंक्शनल ग्रुप हमारे थे यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी सी ओ ओ एच, अब ये ओ एच की जगह यहाँ पर रिप्लेस होकर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल, तो ये हो गया हमारा टेरेपैथलिक क्लोराइड। अब इसके बाद हमारा क्या है पैरा फिनाइलिन डायमिन, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 1,4 डाई एमिनो बेंजीन। अब 1,4 डाई एमिनो बेंजीन का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप्स यानी दो NH2 ग्रुप हैं, यानी अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो फोर्थ पोजीशन पे दैट इज 1,2,3,4 फोर्थ पोजीशन पे फिर से NH2 ग्रुप और ये हम ऐड करेंगे एंड टाइम, यहां पे ये मोनोमर भी आपका एंड टाइम, यानी यहां पे क्या हुआ बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड, ये आपका यहां पे आपका एक तरीके से कार्बन है और कार्बन पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ और सीएल ग्रुप। अब आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो एज इट इज बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यानी यहां पे ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सीएल और यहां से ये H, यानी अगर मैं इस NH2 को इस तरीके से लिखूं तो ये एक H इधर हो जाएगा और ये एक H इधर हो जाएगा, तो यानी इधर हम उसको 2 को हटा देंगे। अब जैसे ही ये हमारे पास है और हमें पता है कि HCl की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास N के पास सिंगल H और ये इसकी बाइंडिंग साइट, यानी आपने पहले क्या ऐड किया 1,4 डाइएमिनो बेंजीन को लिखना शुरू किया, इसके बाद ये आपका NH और ये आपका कंबाइन हो जाएगा सेम इस कार्बन पे, यानी ये यहां पे ऐड हो गया है और ये एज इट इज बेंजीन रिंग और ये एज इट इज आपका डबल बॉन्ड ओ और ये इसकी न्यू बाइंडिंग साइट, यानी आपने कुछ भी नहीं किया सिंपल दोनों को ऐड करके लिख दिया, यानी आपने अब इसको यहां से कंबाइन किया इसके साथ और ये कंबाइन कहां हुआ NH, यानी दोनों तरफ से एक H हट गया है और दोनों बाइंडिंग साइट हो गई हैं, तो ये एक तरफ इधर इससे जुड़ गया है और एक तरफ इसकी बाइंडिंग साइट है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि NH की एक बाइंडिंग साइट है और एक तरफ से ये इसके साथ कंबाइन हो गया है और इसी तरीके से ये एक तरफ इसके साथ अटैच हो गया है और दूसरी इसकी ये बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या हो गया है केवलार।
अब इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हाई स्ट्रेंथ टफनेस एंड हाई हीट स्टेबिलिटी। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये होते हैं हमारे कार के पार्ट्स में यूज होते हैं, टायर ब्रेक्स क्लच लाइनिंग एंड अदर कार पार्ट्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें बुलेट प्रूफ वेस्ट की तो वो हमारे बनते हैं केवलार से। मोटरसाइकिल के जितने भी हेलमेट्स होते हैं वो हमारे किस मटेरियल से बनते हैं, दैट इज केवलार। एरोस्पेस एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसके बाद इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट, नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ केवलार इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेवरल टॉक्सिक केमिकल्स, यानी यहाँ पे भी आपके केमिकल्स यूज हो रहे हैं इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड पैराफिनाइलिन डायमिन। इसको आप बोल सकते हो 1,4 डाई अमीनो बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग पे 1/4 पोजिशन पे आपका NH2 ग्रुप। तो ये केमिकल्स आपके क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, द प्रोडक्शन ऑफ केवलार ऑल्सो रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे भी आपका हाई एनर्जी का यूज हो रहा है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आता है केवलार इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी आपने एक चीज देखी कि सब में क्या है, दो तीन पॉइंट कॉमन है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो डजंट ब्रेक डाउन इजिली इन लैंडफिल्स। बर्निंग ऑफ केवलार प्रोडक्ट रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स, यानी अगर इसको बर्न करते हैं तब क्या करेगा, टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करेगा, दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट। अब इसके बाद बात करेंगे थायोकोल। थायोकोल में क्या है, थायोकोल में भी हमारे पास क्या है, दो तरह के मोनोमर, सबसे पहला एथिलीन डाइक्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। अब अगर हम एथिलीन डाइक्लोराइड की बात करेंगे तो एथिलीन दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों तरफ हमारा क्लोराइड। अब इसके बाद इसी तरीके से जब हम बात करेंगे सोडियम पॉलीसल्फाइड की, तो यानी ये हो गया है आपका NaS डबल बॉन्ड S और N आपका पॉजिटिव, इसी तरीके से यहाँ पे ये S और Na पॉजिटिव। अब ये एज इट इज क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, हमारा थायोकोल। यानी इसमें आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो CH2 CH2, ये भी आपका क्या है, थायोकोल। यानी इसमें S आपका N टाइम्स ऐड हो रहा है, जो कि यहाँ पे आपका Na2SN है और यहाँ पे ये आपका है CH2 होल ट्वाइस और Cl2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर CH2 CH2 Cl और Cl, यानी ये एज इट इज जो आपका लिखा हुआ पहले से ही वैसे ही लिख सकते हो। यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये Na2 और ये Cl2 कंबाइन होके क्या हुआ, ये दोनों रिलीज हो गए, यानी NaCl रिलीज हो गया और ये जो मॉलिक्यूल बचा ये आपका क्या है, दैट इज थायोकोल। अब ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आप इसकी एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियस पॉलीमर्स की, ये है आपका गुड क्रैक रेजिस्टेंस, आउटस्टैंडिंग लो टेम्परेचर फ्लेक्सिबिलिटी, गुड रेजिस्टेंस टू ऑयल ओजोन ऑक्सीजन एंड मेनी केमिकल्स इंक्लूडिंग ईथर कीटोन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसी तरीके से क्या है आपके इसकी एप्लीकेशन, जैसे हमने अभी तक सबकी पढ़ी है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड एज सीलेंट्स एंड एडिसिव्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सेम एज इट इज हमें इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट पढ़ना है कि सबसे पहले इसका क्या है, मेन एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद थायोकोल पॉलीमर इज इट्स पोटेंशियल टू रिलीज सल्फर कंपाउंड, यानी इसमें हमारा मोनोमर ही है पॉलीसल्फाइड। अब पॉलीसल्फाइड रूप में सल्फर रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन एंड दैट कॉज एसिड रेन ऑल्सो। अब इसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन थायोकोल पॉलीमर्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आर डिस्पोज्ड इम्प्रॉपरली, यानी अगर हमने इनका डिस्पोजेबल प्रॉपरली नहीं किया या फिर हमने इनको बर्न किया तो वहां से रिलीज होगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एडिशनली द प्रोडक्शन ऑफ थायोकोल पॉलीमर मे जनरेट हजार्डस वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल
प्रोसीजर, यानी इनको डिस्पोज करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। जब तक हम वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तब तक इनका क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट होगा। इसके बाद अगर बात करें अनदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ थायोकोल पॉलीमर इज इट पोटेंशियल टू हार्म एक्वेटिक लाइफ, यानी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए भी ये हार्मफुल होगा। वेन थायोकोल कंटेनिंग प्रोडक्ट आर यूज इन मरीन एनवायरमेंट, यानी जब भी हम थायोकोल से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तब हमारा क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा एक्वेटिक लाइफ के लिए। अब इसके बाद क्या आता है, द पॉलीमर कैन ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन बी इनडाइजेस्टेड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और इसके बाद क्या करेंगे वो पोटेंशियली कॉजिंग हार्म टू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ। यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है अगर हम बात करें थायोकोल की, यानी अगर हम मरीन सिस्टम में इससे जुड़े हुए कोई भी पार्ट्स यूज कर रहे हैं या फिर कहीं भी इसका यूज कर रहे हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब इसके बाद हमारा आता है पॉलीमर बेकेलाइट, यानी बेकेलाइट हमारा पॉलीमर किस तरीके से सिंथेसाइज होगा, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोनोमर यूनिट। तो इसकी मोनोमर यूनिट है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फिनोल हमें क्या पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड, और फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें HCHO। अब यहाँ से हमें क्या करना है, OH माइनस करना है और एज इट इज इसको यहाँ कंबाइन कर देना, यानी हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पैरा प्रोडक्ट। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है, यानी ये ऑर्थो पोजिशन पे है और ये पैरा, यानी ये ऑर्थो मेटा एंड दिस वन इज पैरा, तो ये इसके लिए क्या हो गई, ऑर्थो पोजिशन। अब ऑर्थो पोजिशन हमने कहाँ से चेक की, विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस OH ग्रुप। अब जैसे ही हमें ये पता है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनस, जैसे ही मेजर प्रोडक्ट की हमने बात की तो हम इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर पॉलीमर बनाना शुरू करेंगे, यानी ये अब एज अ मोनोमर यूज होगा बेकेलाइट में। यानी अभी तक हमारे पास क्या थे, डायरेक्ट मोनोमर्स अवेलेबल थे, उन्हीं मोनोमर्स को हमने कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करके पहले ऑर्थो पोजिशन वाले मोनोमर को सिंथेसाइज करना है। अब जैसे ही ये बना तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, नोवेलेक। अब नोवेलेक में हमारे पास क्या है, जो भी अपने पास लिंकेज वो है हमारे पास CH2, यानी CH2 की लिंकेज के थ्रू ये हमारा क्या हो जाएगा, सारी बेंजीन रिंग ऐड हो जाएंगी, यानी जितने भी ये ऑर्थो ग्रुप हैं ये हमारा ऐड हो जाएगा दूसरे बेंजीन रिंग के साथ। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स ऐड करेंगे और इस नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फर्दर से एडिशन करेंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स ऐड हो जाएगा और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा, दैट इज बेकेलाइट। यानी अब आपके पास क्या है, बहुत सारे बेंजीन रिंग और ये आपका रिवर्स हो गया, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो ग्रुप है यही मल्टीपल टाइम दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, अब यहाँ पे लिंकेज आपके पास क्या है, CH2, यहाँ पे भी आपकी लिंकेज क्या होगी, CH2, और इनमें आपके पास OH ग्रुप यहाँ पे, इनके पास OH ग्रुप यहाँ से, और ये आप कंबाइन करते चले जाओगे इसको, और ये इसकी बाइंडिंग साइट, इसी तरीके से ये इसकी बाइंडिंग साइट और ये इसकी बाइंडिंग साइट, दैट इज N, यानी ये आपका क्या बन गया, बेकेलाइट। अब इसके बाद बेकेलाइट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, अब इसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशन। बेकेलाइट इज यूज्ड एज मोल्डेड ऑब्जेक्ट्स इन रेडियो कैबिनेट, TV, फोन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट। अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में जितना भी यूज होता है, यानी स्विचेस, प्लग्स, हीटर हैंडल्स एंड स्विच बोर्ड्स, तो ये हमारा किस चीज का बना है, बेकेलाइट। इसके बाद आता है इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट, यानी सबसे पहला वही कि प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन में क्या होगा, हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक है एंड कार्सिनोजेनिक है, यानी कार्सिनोजेनिक आपके वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमारा क्या होता है, ह्यूमन बॉडीज में या फिर एनिमल्स में
कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद बात करें, व्हाइल मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी जो हमारे एडवांस मेथड्स हैं उसमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज कम हो गया है, बट स्टिल दे आर हार्मफुल। अब इसके बाद यूज की अगर बात करें तो बेकेलाइट इज अ वेरी ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल विच कैन बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर। अब ये पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब हम इसको लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे तो इसका रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। अब अगर इसकी बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, बेकेलाइट इज डिफिकल्ट टू रिसाइकल और डिस्पोज ऑफ, यानी इसको डिस्पोज करना और रिसाइकल करना मुश्किल है, दैट लीड्स टू अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इसके बाद आता है टेफ्लोन। टेफ्लोन में क्या है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारा क्या है कि ये जितनी भी हमारी कुकवेयर्स में यानी जितने भी यूटेंसिल्स आते हैं उसमें हमारी जो कोटिंग होती है वो होती है टेफ्लोन। अब इसका जो मोनोमर है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी जहाँ पे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख रहे हैं वहाँ पे H2 की जगह अगर हम रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा देंगे, यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2, और मोनोमर हमेशा कितना टाइम्स लेना है, दैट इज n टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अंडर हाई प्रेशर एंड विद कैटलिस्ट, ये रिएक्शन प्रोसेस होगी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के साथ F2 तो एज इट इज ही रहेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, दोनों बाइंडिंग साइट और n टाइम्स, दिस इज टेफ्लोन। यानी जब भी हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की, यानी मोनोमर से पॉलीमर बनाया, उसमें हमने क्या किया, आइदर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, HCl या NaCl, और अगर वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो हमने जस्ट किया क्या, जहां पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड की जगह एज इट इज सिंगल बॉन्ड लिखा और बाकी के जितने भी हाइड्रोजन फ्लोरीन या जितने भी कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट शोज गुड रेजिस्टेंस टुवर्ड हीट एंड लो टेम्परेचर, इट हैज एंटी एडिशन एबिलिटी ड्यू टू विच इट इज यूज्ड एज नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स, यानी हम इसको नॉन स्टिक की तरह नॉन स्टिक बर्तनों में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, ये खाना जब बनाते हैं यानी कुकिंग जब करते हैं तब ये खाना इस पर इजिली स्टिक नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स। अब इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यही जो मैंने अभी बताई, इट इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग द लेबोरेटरी अप्लायंसेस, यानी कोरोजन के लिए इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए लेबोरेटरी के यूटेंसिल्स या फिर जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उन पर कोटिंग करने के काम आता है। इसके बाद आएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर टेफ्लोन। अगर टेफ्लोन की बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, द प्रोडक्शन ऑफ टेफ्लोन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ PFOA। अब ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वही सेम चीज, ग्रीन हाउस गैसेस एंड हार्मफुल फॉर क्लाइमेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ रिस्क की, स्टडीज हैव लिंक्ड टू द यूज ऑफ टेफ्लोन कोटिंग कुकवेयर्स टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर, यानी जब इन कुकवेयर्स को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इनसे क्या निकलती है, टॉक्सिक फ्यूम्स दैट आर हार्मफुल, दीज फ्यूम्स कैन कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ अफेक्ट इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी इसकी ये टॉक्सिक फ्यूम्स कैंसर प्रोड्यूस करती हैं ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडी में। अब इसके बाद बात करेंगे लैंड पोल्यूशन की, टेफ्लोन वेस्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग कैन कंटेमिनेट सोयल अफेक्टिंग द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन द एरिया, यानी ये हमारा क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को दोबारा से पोल्यूट कर रहा है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सोयल में उसको भी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स, यानी नाम से क्लियर हो रहा है, यानी पॉलीमर्स की बात हो रही है जो हमारे कंडक्टिंग इन नेचर है। अब अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखने का कोई बोले तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर
ऑर्गेनिक पॉलीमर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉन्जुकेशन इन देयर बैकबोन। यानी कॉन्जुकेशन यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी इसके पास एक्सटेंसिव कॉन्जुकेशन होना चाहिए तभी ये क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो कंडक्टिंग पॉलीमर को हम क्लासिफाई करेंगे टू मेथड से, यानी नंबर वन इंट्रिंसिक एंड नंबर टू एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में भी आपके क्या हैं, टू टाइप्स, इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक के भी टू टाइप। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए नाम से कि जो इंटरनली, दैट इज जो हमारे पॉलीमर्स उनके पास प्रॉपर्टीज खुद से हैं कंडक्टिविटी शो करने की। तो सबसे पहले क्या होगी, कॉन्जुकेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, देन डॉब कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो यानी हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको प्रोवाइड करना है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। तो ये मेथड्स हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स विद कंडक्टिंग ब्लेंड्स, यानी हम पॉलीमर को ऐड करेंगे विद कंडक्टिंग ब्लेंड। और सेकेंड मेथड में हम करेंगे पॉलीमर को ऐड करेंगे पॉलीमर विद कंडक्टिंग एलिमेंट। अब हम ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंट्रिंसिक, ये मैंने आपको बताया कि इनमें किस वजह से होगा, क्योंकि इनके पास क्या है, कॉन्जुकेशन है, दे हैव पाई कॉन्जुकेशन इन द मेन चेन एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर नॉर्मली और ऑन डोपिंग। यानी या तो इनमें डोपिंग करनी पड़ेगी या फिर नेचुरली दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, यानी इनको हम इंट्रिंसिक को फर्दर टू मेथड्स में क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन कॉन्जुकेटेड, यानी जिनके पास ऑलरेडी कॉन्जुकेशन है, यानी दे कंटेन कॉन्जुकेटेड पाई बॉन्ड्स इन देयर बैकबोन विच हेल्प देम टू फॉर्म वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तब हम क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है। यानी ये अगर वैलेंस बॉन्ड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन मूव करके, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव करेगा। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल है आपके पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफिन एक्सेट्रा। इसके बाद सेकेंड आपका आता है डॉप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब यानी जिनके पास नेचुरली कॉन्जुकेशन थी तो वो हमने डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे डोपिंग की। अब डोपिंग भी हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड एंड कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इसलिए क्या होती है, डोपिंग की जरूरत होती है। दे आर डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। यानी इनको ऐसे ग्रुप की जरूरत है जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और आइदर इनसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। अब ये डोपिंग हम करेंगे टू मेथड से। नंबर वन पी डोपिंग एंड टू एन डोपिंग, यानी पी और एन यानी पॉजिटिव। अब ये आपका जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एन टाइप की डोपिंग। और अगर हम वहां से रिमूवल करेंगे इलेक्ट्रॉन का किसी भी कार्बन की बैकबोन से, तो वो क्या होगा आपका, पी टाइप। यानी इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लुइस एसिड, और यहाँ पे हम करेंगे बाय, दिस इज डन बाय एडिंग लुइस बेस। अब अगर इसी की बात करें हम सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सट्रिंसिक पॉलीमर्स, यानी इनमें हमको क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है, आइदर ब्लेंडिंग पॉलीमर और आइदर कंडक्टिंग एलिमेंट। दे डू नॉट कंटेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड आर मेड कंडक्टिंग बाय एडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स इन देम। यानी हम क्या करेंगे कि इनमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को ऐड करेंगे तब जाके ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर वन पॉलीमर्स विद द कंडक्टिंग एलिमेंट्स, तो वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, पॉलीमर में ऐड करने हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट्स सच एज सी ब्लैक मेटल ऑक्साइड आर एडिड टू पॉलीमर। यानी हम क्या करेंगे, इन कंडक्टिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे अपने पॉलीमर में, जिसके बाद वो क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा।
पॉलीमर एक्ट्स एज बाइंडर एंड होल्ड दीज एलिमेंट्स, यानी जिस पॉलीमर में हम इन एलिमेंट्स को ऐड करने हैं वो हमारा बाइंडर की तरह एक्ट करेगा और इनके साथ ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है पॉलीमर्स विद कंडक्टिंग ब्लेंड, यानी अब हमें पॉलीमर को एक ब्लेंड के साथ ऐड करना है। ब्लेंड ऑलरेडी क्या है, पॉलीमर का एडिशन, यानी टू और मोर पॉलीमर्स का एडिशन और ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। अब अगर हम बात करें ब्लेंडिंग अ कन्वेंशनल पॉलीमर विद कंडक्टिंग पॉलीमर टेक्स प्लेस, यानी हम पॉलीमर को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ ब्लेंड करेंगे यानी ऐड करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा कन्वेंशनल पॉलीमर होगा उसमें कैसी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यानी हम यही अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किसी भी पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर कैसे बनाना है। इसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द पॉलीमर्स विच कैन डिग्रेड इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यानी ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारे क्या होंगे, जो नेचर में विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स ये इजिली डीकम्पोज हो जाएंगे। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर इनर्ट, परमेबल, नॉन टॉक्सिक, बायोकम्पैटिबल एंड कंट्रोल्ड रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी ये सारी क्या हैं, एक बायोडिग्रेडेबल की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडिग्रेडेशन, यानी अगर किसी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करेंगे तो उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी की एबिलिटी को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले साइज एंड शेप। अगर हम साइज की बात करें तो हमारा पॉलीमर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज नहीं होना चाहिए और उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट बी वेरी लार्ज एंड टू ब्रांच्ड। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टलिनिटी की। अब इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलीमर शुड बी सेमी क्रिस्टलाइन। द परसेंटेज इफ क्रिस्टलिनिटी शुड बी लेस, यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो उसकी परसेंटेज भी कम होनी चाहिए। This should be hydrophilic in nature, यानी polymer should be water soluble in nature. अब इसके बाद बात करेंगे functional group की, यानी presence of functional group अगर हम कहें तो functional group भी हमारा कैसा होना चाहिए, should be having biodegradable functional group, यानी functional group भी ऐसा होना चाहिए जो biodegradable in nature हो। अब हम बात करेंगे presence of suitable microorganisms की, यानी जब भी हम बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज माइक्रोब्स और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो वहां पे क्या होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब भी हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, सुटेबल फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, दैट इज सुटेबल टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर पीएच, यानी सॉल्वेंट में जो पीएच होनी चाहिए वो भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है कि बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस होगा कैसे, यानी ये हमारा क्या है, थ्री स्टेप प्रोसेस है जिसको हमें अभी स्टडी करना है। थ्री स्टेप प्रोसेस में नंबर वन स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप वन जो आपका है वो है कि हमारा जो लॉन्ग पॉलीमर है, यानी लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल आर रिड्यूज टू शॉर्टर लेंथ, यानी बड़े मॉलिक्यूल को हम डीकम्पोज करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल में एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब क्या करेगा, द मॉलिक्यूल बिकम हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग और स्मॉल इन साइज, यानी पहले क्या किया, ब्रेक डाउन इन स्मॉल साइज एंड मेक इट ऑक्सीडाइज, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर लविंग हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, स्टेप टू। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जब भी बायोडिग्रेडेशन की बात की तो मैंने क्या बताया कि वहां पे क्या होंगे, माइक्रोब्स और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कहाँ पे होगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी क्या हो जाएगा, पॉलीमर इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन द रेजिडुअल प्रोडक्ट्स, यानी अब ये क्या हो गया, अपने ही छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया है। इसके बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
कंज्यूम द डिग्रेडेड प्लास्टिक। अब जितना भी डिग्रेडेशन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे और इसी प्रोसेस में आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बायोमास जितना भी प्रोड्यूस होगा वो आपका कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, इन नेचर। अब इसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल का सबसे पहला एग्जांपल है आपका पॉलीलैक्टिक एसिड। अब इसमें आपको लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यहाँ पे आपने क्या लिया कार्बन और इस कार्बन पे चारों ही ग्रुप्स जो हैं वो आपके डिफरेंट है। एक तरफ आपने लिया OH, एक तरफ आपका CH3, एक तरफ आपका C डबल बॉन्ड O, OH और ये आपका रिमेनिंग H। अब जैसे ही इसके N नंबर हम लेंगे तो ये कंबाइन करके हमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाना है, पॉलीलैक्टिक एसिड, यानी जो मोनोमर है उसके नाम के सामने आपका क्या जुड़ जाएगा, पॉलीवर्ड, दैट सिंबलाइज कि ये उसका पॉलीमर है। अब यहां से आपने क्या किया, एक एच रिमूव किया और इधर से भी आपने एक एच रिमूव किया। अब जैसे ही आपने ये एच रिमूव किया तो आपके पास जो रिमेनिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलीलैक्टिक एसिड। और यहाँ पे आपकी N-1H2O रिलीज हो रहे। अब अगर हम बात करें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O और कहाँ पे हमारा, अब ये कार्बन के पास क्या है OH ग्रुप यानी, और यहाँ पे ये आपका CH2 ग्रुप। अब ये जैसे ही ये CH2 है इनका तो कोई वो नहीं है, हम इन्हें CH2 भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये आपको रिलीज करना है यहाँ से और ये H रिलीज करना है आपको यहाँ से। तो यानी आपने इसमें क्या किया, N नंबर ऑफ H2O रिलीज किया, ये आपका पॉलीमर जो बना दैट इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, यानी आपने इसको एज इट इज लिख दिया, यानी ये आपके एज इट इज हैं और ये इसकी ये बाइंडिंग साइट और ये आपके ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, भले ही आप इसको ना भी मेंशन करें आपने इस फॉर्मूले में, यानी ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन दिस इज द न्यू बाइंडिंग साइट एंड दिस इज योर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, इट इज रेजिस्टेंस टू ग्रीस एंड मॉइस्चर। अब इसके अगर यूज की बात करें, इट इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग, यानी ये जो हमारा यूज होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, ये हमारा यूज हो रहा है फूड पैकेजिंग के टाइम पे, यूज्ड फॉर सर्जिकल सूचर्स एंड इम्प्लांट्स, यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, हाईली क्रिस्टलाइन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अगर यूजेस की बात करें, इन टिश्यू इंजीनियरिंग, इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, इन बायोडिग्रेडेबल सूचर्स। अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक कंपोजिट। अब जब भी हम कंपोजिट की बात करेंगे तो हमें कंपोजिट वर्ड नाम आते ही याद आ जाना चाहिए कि हम दो फेज का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी लेंगे उन मटेरियल्स की हम बात करेंगे एज अ कंपोजिट। कंपोजिट मटेरियल इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर फेजेस, यानी यहाँ पे किसकी बात करेंगे कंपोजिट में, टू और मोर फेजेस। अब यहाँ पे आपके पास टू फेज हैं, मैट्रिक्स फेज एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज को हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट फोर्स फेज भी बोलते हैं। अब जैसे ही ये दोनों फेज की हम बात करेंगे तब हम बताएंगे कि एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी ऑफ द फेजेस, यानी जब दो फेज से मिलके आपका क्या बना कंपोजिट, अब उस कंपोजिट की प्रॉपर्टी आपकी इन दोनों फेज से हमेशा डिफरेंट होगी। अब ये आप अगर कहो कि ये आपका क्या है, मैट्रिक्स फेज है, तो ये जितना भी ये आपका होल्डिंग, ये आपके क्या है, डिस्पर्स फेज। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स फेज क्या होता है और डिस्पर्स फेज क्या होता है। अगर मैट्रिक्स फेज की बात करें तो ये हमारा प्राइमरी फेज है और डिस्पर्स फेज और रीइंफोर्सिंग फोर्स फेज क्या है, ये हमारा सेकेंडरी फेज। अब ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म और वो क्या है हमारा डिसकंटिन्यूस। अब अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जो भी आपका बाइंडिंग फेज है, यानी जो आपका बाइंड कर रहा है किसको, डिस्पर्स फेज को, तो वो आपका क्या है,
मैट्रिक्स फेज, यानी इसीलिए हमने क्या बोला कि ये क्या है प्राइमरी फेज, यानी किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, दैट इज मैट्रिक्स फेज। अब ये क्या है, इट इज एम्बेडेड इन मैट्रिक्स फेज, यानी मैट्रिक्स फेज के अंदर जो फेज एम्बेडेड है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। अब अगर इसकी बात करें वीकर देन डिस्पर्स्ड फेज, यानी ये डिस्पर्स्ड फेज से वीकर है एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्गर देन मैट्रिक्स फेज। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, अब हमें क्लासिफिकेशन देनी है कंपोजिट की, अब कंपोजिट की क्लासिफिकेशन दोनों फेज के बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स फेज की, तो ये कितने टाइप के होंगे, थ्री टाइप्स के, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट, पॉलीमर मैट्रिक्स एंड मेटल मैट्रिक्स। अब इसके बाद पॉलीमर मैट्रिक्स के फिर से दो क्लासिफिकेशन है, यानी उसको दो तरीके से फिर से क्लासिफाई करेंगे, थर्मोप्लास्टिक मैट्रिक्स एंड थर्मोसेट मैट्रिक्स कंपोजिट। इसके बाद आपको फर्दर ये क्लासिफिकेशन देनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे थ्री टाइप्स, पार्टिकल, रेनफोर्स्ड, फाइबर एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चरल। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, टू टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे, नंबर वन लार्ज पार्टिकल, डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड, देन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, लेमिनेट एंड द लास्ट वन स्ट्रक्चरल इज सैंडविच पैनल। अब अगर आप बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस की, तो उसको फर्दर आपको क्लासिफाई करना है इन अलाइंड और रैंडमली ओरिएंटेड, यानी आपको सिर्फ कंपोजिट की डेफिनेशन, उसका एक डायग्राम बनाना है, दैट इज मैट्रिक्स फेज क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है, उसके बाद दोनों को आपको डिफाइन करना है, यानी आपको टेबुलर फॉर्म में दोनों के डिफरेंसेस देने हैं, और डिफरेंसेस देने के बाद आप दोनों बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे अच्छे से, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। आपके कंपोजिट के टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद अगर इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें, एडवांटेजेस हैं इसकी, दिस इज लाइट इन वेट, केमिकल रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, गुड परफॉर्मेंस एट हाई टेम्परेचर, ड्यूरेबल, वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी ये सारी इसकी क्या है एडवांटेजेस। अब अगर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पॉलीमर ब्लेंड। अब यानी हमें ब्लेंडिंग से क्या पता चल रहा है कि हम मिक्सिंग करेंगे किसकी, पॉलीमर की, यानी पॉलीमर का ही ब्लेंड बनाना है, तो हमें पॉलीमर के अंदर पॉलीमर को ऐड करना है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा आपका, पॉलीमर ब्लेंड इज डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट पॉलीमर्स हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पोनेंट पॉलीमर्स। यानी अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक पॉलीमर को ब्लेंड किया दूसरे पॉलीमर में, तो जो हमारा इनिशियल पॉलीमर था, यानी अगर मैं कहूँ कि ए पॉलीमर है और बी भी पॉलीमर है, तो इन दोनों को अगर हमने ब्लेंड करके ए बी पॉलीमर बनाया, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज ए से भी डिफरेंट है और बी से भी डिफरेंट है, यानी जो इसके कॉम्पोनेंट पॉलीमर्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज उनसे अलग हैं। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलीमर ब्लेंड शुड बी फ्रेंडली विद ईच अदर, यानी जब भी हम ब्लेंडिंग करेंगे, यानी पॉलीमर ब्लेंड्स की बात करेंगे, तब वो अपने पॉलीमर्स क्या होने चाहिए, शुड बी फ्रेंडली विद ईच अदर, यानी वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाने चाहिए। ब्लेंडिंग इज डन टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पोनेंट, यानी अगर हमें ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट की प्रॉपर्टी इम्प्रूव करनी है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों पॉलीमर्स को ब्लेंड करेंगे। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है मिक्सचर ऑफ वुड विद टेराइलीन। अब बात आती है टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ब्लेंड, यानी सबसे पहला क्या आएगा, मिसिबल पॉलीमर ब्लेंड। मिसिबल यानी दीज आर होमोजीनियस, इट इज अ सिंगल फेज स्ट्रक्चर, और अगर इसकी फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू। अब इसके बाद हम बताएंगे इसके टाइप्स में नेक्स्ट, इमिसिबल यानी दीज आर हेट्रोजीनियस एंड हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। अब बात आती है होमोलोगस पॉलीमर ब्लेंड्स की, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, सेम पॉलीमर को ब्लेंड करेंगे उसी पॉलीमर के साथ विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक ही पॉलीमर को ब्लेंड करेंगे लेकिन उसकी दोनों की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी, किसकी रेस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिक पॉलीमर ब्लेंड, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमर्स को ब्लेंड कर रहे हैं,
टू और मोर डिफरेंट, और इनकी प्रॉपर्टीज कहती होंगी दीज आर क्रिस्टलाइन सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। अब अगर बात करें लास्ट, दैट इज कंपेटिबल पॉलीमर ब्लेंड। अब कंपेटिबल पॉलीमर ब्लेंड क्या है, यानी ये मिसिबल तो होंगे लेकिन एक सर्टेन रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर, यानी एक ये लिमिट तक मिसिबल है और उसके बाद ये क्या है, इमिसिबल इन ईच अदर। इसके बाद आता है एडवांटेज, यानी अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड मटेरियल विच आर लो इन कॉस्ट, यानी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं एक लो कॉस्ट मटेरियल सिंथेसाइज करने के लिए जो कि डिजायर्ड मटेरियल है, यानी जिसकी हमें जरूरत है। इट इम्प्रूव्स सॉल्वेंट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, यानी किसी भी मटेरियल की केमिकल रेजिस्टेंस और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव्स फ्लेम रेजिस्टेंस ऑल्सो। प्लास्टिक वेस्ट आर रिसाइकल्ड, यानी इस प्रोसेस में जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ब्लेंडिंग रिड्यूसेस द मटेरियल कॉस्ट, यानी किसी भी मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस हम कर सकते हैं वाया ब्लेंडिंग। अब अगर हम बात करें अपने टॉपिक की, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का बॉन्ड बना होगा डायरेक्ट मेटल से, ये हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मेटल एटम, यानी ये आपका कार्बन का बॉन्ड जो है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका डायरेक्ट किससे है, किसी भी मेटल से, दीज आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे कार्बन मेटल के बॉन्ड के बेसिस पे, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप अटैच टू द मेटल एटम, यानी मेटल एटम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। एक आपके आते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपके सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल बना है उसमें इसमें मेटल के साथ जो भी आपका जुड़ा है ग्रुप वो आपका क्या है, दैट इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्रुप। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी इसमें हम बात करेंगे टू टाइप्स की, दैट इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। यानी जब भी हम सिमेट्री की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि जो हमारे सेम ग्रुप्स होंगे, यानी मेटल एटम इज बॉन्डेड टू सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स, यानी अगर मैं ये कहूं कि C2H5 होल ट्वाइस इज, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये आपका C2H5 ग्रुप इस तरीके से जुड़ा है, यानी ये आपका क्या है Hg के साथ आपका C2H5 दोनों साइड जुड़ा है, यानी आपने क्या बोला कि मेटल इज बॉन्डेड टू सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स, यानी ये जितना भी मेटल के साथ बॉन्ड है वो दोनों ग्रुप्स आपके सेम है, दैट इज C2H5। लेकिन जहां हम बात करेंगे अनसिमेट्री की तो वहां पे सिमेट्री नहीं होगी, यानी सेम टाइप ऑफ मेटल का बॉन्ड नहीं होगा। मेटल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। अब अगर मैं कहूँ कि C2H5 Hg और यहाँ पे दिया है आपका C4H9, यानी एक जगह आपका C2H5 है और एक जगह हो गया है आपका C4H9, यानी अब ये दोनों ग्रुप्स आपके सेम नहीं है, तो अब ये आपका कैसा हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अब मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपके पास क्या आ गया, C2H5 Mg और Br, यानी यहाँ पे आपके हैलाइड्स भी आ गए, मैग्नीशियम मेटल भी है और ये आपका C2H5, ये आपका एल्काइल ग्रुप भी है। अब इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। अब जब भी हम कार्बन मेटल बॉन्ड की बात करेंगे तब क्या बात करेंगे, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपके पास आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा किसमें, मेटल एटम में और कार्बन एटम के बीच में। ये आपका एग्जांपल है ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड, यानी C6H5N8 एंड ऑर्गेनो पोटेशियम कंपाउंड, यानी C5H5
के। अब इसके बाद आपका आता है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स, यानी जिनमें आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम एंड मेटल। अब आपका एग्जांपल आता है मेटल एल्काइल कंपाउंड्स, यानी PbC2H5 और इसका 4, दैट इज इनके बीच में आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनमें आपके एग्जांपल्स क्या हैं, डाइमेरिक बोरोन हाइड्राइड एंड डाइमेरिक ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। अब इसके बाद आपके आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स, यानी जिनमें आपके क्या होंगे, हैव मेटल लिगेंड्स बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड पाई ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स, दैट इज फेरोसिन, दैट इज C5H5Fe। ये इस तरीके के जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होंगे, इनमें आपके कैसे होंगे, इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दैट इज आर एम जी, दैट इज मेटल एंड एक्स इज हैलाइड, यानी आपको बात करनी है आर एम जी एक्स की। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आर ग्रुप आपका नेगेटिव है और ये कंप्लीट आपका पॉजिटिव है, यानी जब भी हम रिएक्शन करेंगे तब हम ये कहेंगे कि आर हमारा नेगेटिव है और आर एम जी एक्स हमारा पॉजिटिव ग्रुप है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट को डिफाइन करेंगे तब कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मूला आर एम जी एक्स, वेयर एक्स इज अ हैलोजन एंड आर इज एन एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। अ टिपिकल ग्रिगनार्ड रिएजेंट माइट बी CH3MgBr, यानी CH3 आपका आर ग्रुप, Mg आपका मेटल एंड Br इज हैलाइड, दैट इज X। अब हमें क्या करना है, इसका प्रेपरेशन पढ़ना है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, यानी अगर हम इसकी रिएक्शन करें मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, दैट इज आर एक्स की रिएक्शन हम करा रहे हैं एम जी से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हो जाएगा हमारा आर एम जी एक्स, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रेपरेशन कंप्लीट। अब इसके बाद हमें इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, यानी ये हमें क्या करता है, रिएक्शंस देगा, यानी अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से तो ये क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल देगा, और एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो सेकेंडरी, एंड कीटोन के साथ करेंगे तो ये हमें रिएक्शन मिलेगी टर्शरी एल्कोहल, यानी अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल तो ये हमें मिलेगी आर एम जी एक्स, यानी आर एम जी एक्स यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यानी हेलोजन ग्रुप। और R आपका एल्काइल ग्रुप, यानी CH3 या C2H5 इसी तरीके के ग्रुप जिनमें एक हाइड्रोजन आपका कम होता है, और ये Mg आपका मेटल। अब आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करनी है, तो फॉर्मल्डिहाइड को आप ऐसे लिखते हो CHOH। अब यहाँ पे आपको क्या पता है कि C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, और ये H आपके क्या है, दोनों साइड। अब जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन की तब आपको ये पता है कि आपका यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये बॉन्ड अपनी तरफ ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लिए, दैट इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, ये नेगेटिव और ये कंप्लीट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ग्रुप आपका कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, यानी ये इसका कंप्लीट पॉजिटिव पार्ट है, यानी कार्बन पॉजिटिव, और कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी RCH2, और ये आपका क्या बन जाएगा, MgCl, और उसके साथ O जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये रिएक्शन फर्दर आप किसके साथ करोगे, वाटर के साथ, तो वहां पे आपका OH, यानी फर्दर ये जो पार्ट था आपका वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका फिर से कहाँ जाके जुड़ जाएगा, RCH2 के साथ। इसी तरीके से जब हम रिएक्शन करेंगे RMgCl के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी यहाँ पे अब हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3 ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। अब ये ग्रुप जब जुड़ेगा फिर आपको किससे करानी है रिएक्शन, फिर से वाटर के साथ। अब यहाँ पे आपका CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH, और ये आपके दोनों R ग्रुप, यानी ये आपका क्या हो गया,
सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसी तरीके से जब हम बात करेंगे RMGX की कीटोन के साथ, यानी कीटोन में आपका क्या हो जाएगा, थ्री डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे आपका जो भी एल्कोहल बनेगा ये आपका टर्शरी, यानी ये कार्बन आपका तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री, दैट इज टर्शरी एल्कोहल। यहाँ पे आपका 2 डिग्री एल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी। यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसके बाद हम अगर करें बात फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे RMGX के साथ, यानी ये हमारे पास है RMGX। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि हम CO2 को कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारे पास क्या है RMGX। अब जैसे ही ये RMGX के साथ रिएक्शन की तो हमें क्या पता है ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी आप इसको इस तरीके से लिखोगे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज, इस पे हमें क्या पता है ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो यानी आर के साथ ये जुड़ेगा कैसे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो यानी ये यहाँ पे हमारा बन गया आर, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है और ये बॉन्ड जुड़ेगा बॉन्ड ब्रेक होके, यानी वो पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज और ये जुड़ जाएगा हमारा पॉजिटिव पार्ट, यानी MGX वाला पार्ट जुड़ेगा O के साथ, यानी ये हाफ पार्ट जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव सारे कंबाइन हो गए और ये एक मॉलिक्यूल बन गया जो आपका है मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिएक्शन हो रही है आपकी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है H2O से, जिसको हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव भी, यानी हमने क्या किया इस रिएक्शन में H2O के साथ रिएक्शन कराई, तो यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या है O के पास क्या नेगेटिव पार्ट, O के पास जैसे ही नेगेटिव पार्ट है तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा H के साथ, तो यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल में आपके पास क्या आ गया, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे आपने इसको लिखा है R C डबल बॉन्ड O O एंड H, और यही आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा MgOH एंड X, क्योंकि हमें क्या पता है कि मैग्नीशियम हमारा 2 पॉजिटिव है, तो OH भी नेगेटिव और X भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। अब इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन और जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन। अब हमें क्या करनी है, रिएक्शन देनी है जिगलर नाटा की। जिगलर नाटा एक कैटलिस्ट है जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यानी ये आपका CH2CH3। अब आपको इसकी रिएक्शन देनी है, इसमें क्या होगा इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड देन लास्ट इज टर्मिनेशन। ये आपका इनिशिएशन प्रोसेस है, इनिशिएशन में हम इसकी रिएक्शन करेंगे प्रोपीन के साथ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रिएक्शन प्रोसेस करानी है और ये रिएक्शन आपकी कहाँ होगी, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एज इट इज कहाँ कंबाइन हो जाएगा, ये हमारे TI के साथ, यानी अब जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये ग्रुप आपका एज इट इज इसके साथ यहाँ जाके अटैच होगा और ये बाकी का जो रिमेनिंग है ये आप इसको एज इट इज उसके बाद ऐड करोगे, यानी ये हो जाएगा अब CH2 CH CH3, और ये जो इसकी बाइंडिंग साइट, यानी ये हमने इसकी बाइंडिंग साइट दोनों, यानी ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये भी इसकी बाइंडिंग साइट और ये भी इसकी बाइंडिंग साइट कुछ इस तरीके से, तो आपने क्या किया इसको एज इट इज यहाँ जोड़ दिया और इस बाइंडिंग साइट से इसको एज इट इज कंबाइन कर दिया, यानी ये आपका आ गया CH2 CH3। अब प्रोपगेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये है हमारा प्रोपीन, यानी तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड, ये हमारा कैटलिस्ट।
अब हमें क्या करना है प्रोपेगेशन प्रोसेस में, प्रोपेगेशन में आप क्या करेंगे, इसी प्रोपीन के एन नंबर्स लेंगे, यानी एन नंबर ऑफ प्रोपीन, दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड अगेन सी एच थ्री। अब इसके एन नंबर को आपको रिएक्शन कराने के, ये जो आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके पास आया है, यानी ये आपके पास क्या है, सी एच टू सी एच थ्री अगेन सी एच टू सी एच थ्री, देन प्लस एन नंबर ऑफ प्लस एन नंबर ऑफ सी एच टू सी एच, यानी ये आपके एन नंबर ऑफ फिर से प्रोपी। अब ये रिएक्शन फिर से करानी है। अब आपने ये देखा कि ये आपका क्या है, ये वही प्रोपीन ग्रुप है जो हमने ऐड किया, तो ये प्रोपीन ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एन नंबर ऑफ प्रोपीन ग्रुप हमारे पास फिर से इसी ग्रुप में ऐड हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज प्लस एन नंबर ऑफ ये ग्रुप, और लास्ट में हमारा ये ग्रुप एज इट इज हम इसको लिख देंगे, यानी सी एच टू सी एच सी एच थ्री, ये आपका एज इट इज, और ये आपका एन नंबर ऑफ ग्रुप, यानी सी एच टू डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब ये क्या है, ये इसकी बाइंडिंग साइट और ये इसके एन नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब ये जैसे ही एन नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, तो इसके बाद आपके पास क्या है, सी एच टू एंड सी एच थ्री, ये आपका ग्रुप एज इट इज आपको क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करानी है, दैट इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन की रिएक्शन आपको करानी है एच एक्स के साथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब जैसे ही एच एक्स के साथ रिएक्शन होगी, तो इसी ग्रुप में आपका एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक जगह आपका हैलाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखूं टी आई, यही ग्रुप, यानी आपने जो यहाँ प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को एज इट इज आपने एन प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराया, जो आपका इधर प्रोडक्ट बना, इसी प्रोडक्ट को आपने एज अ रिएक्टेंट लेना है नेक्स्ट टर्मिनेशन की प्रोसेस में। अब आप क्या करेंगे, सी एच टू सी एच सी एच थ्री, अब ये आपका हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री, और ये आपका एन टाइम और सी एच टू सी एच थ्री, ये एज इट इज प्लस एच एक्स, यानी अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे एच एक्स के साथ। अब जैसे ही एच एक्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा एक्स किसके साथ जुड़ जाएगा, टी आई के साथ, यानी ये टी आई हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा एक्स के साथ, और ये जो कंपाउंड है, यानी ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका सी एच टू की जगह क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, और बाकी इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी आप इसको एज इट इज लिख देंगे सी एच थ्री, और ये आपका सी एच टू सी एच थ्री, ये आपका एन टाइम्स, और ये कंबाइन है आपका सी एच टू सी एच थ्री के साथ, यानी आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन की प्रोपीन की। अब जैसे ही प्रोपीन के साथ रिएक्शन होगा, तो यानी हमें क्या पता है, तीन कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड, अब जहां पे भी डबल बॉन्ड है, आप उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस पूरे मॉलिक्यूल को, यानी इस पूरे प्रोपीन को कहाँ ऐड कर देंगे, TiO2 के साथ डायरेक्ट, और जो ये मॉलिक्यूल है, ये हम इसको CH2 CH3 उसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस में हमने सिर्फ प्रोपीन ऐड किया, देन प्रोपेगेशन की प्रोसेस में हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ प्रोपीन्स ऐड किए इस प्रोडक्ट में, यानी उस प्रोडक्ट को लिखेंगे प्लस एन नंबर ऑफ प्रोपीन। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एन नंबर ऑफ प्रोपीन आप कहाँ ऐड करेंगे, एन नंबर ऑफ प्रोपीन आप यहाँ ऐड करेंगे, यानी ये आपके पास सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप ऑलरेडी है, और आपने इसमें
ये n नंबर ऑफ प्रोपेन्स एज इट इज यहाँ पे ऐड कर दिए, दैट इज CH2 CH ऊपर CH3 और साइड में ये आपका CH2 CH3 एज इट इज इसके साथ हमेशा ऐड करोगे। अब आपकी प्रोसेस आती है टर्मिनेशन, यानी इस रिएक्शन को जैसे आपने इनिशिएट किया देन प्रोपगेट किया, अब आप इस रिएक्शन को टर्मिनेट भी करेंगे, यानी ये तीनों स्टेप्स होते हैं किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। तो जैसे ही टर्मिनेशन प्रोसेस की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे कि हमने इसकी रिएक्शन की HX के साथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो जैसे ही HX के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, ये जो हमारा प्रोपगेशन में प्रोडक्ट आया है, जैसे ही हमने उसके साथ रिएक्शन की तो हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास X ग्रुप TI के साथ ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही X ग्रुप TI के साथ ऐड हुआ तो बाकी का जो रिमेनिंग है, यानी H हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, H हमारा इधर ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है। अब ये आपका CH3 और बाकी सारा एज इट इज आप उसको वहां पे लिख देंगे। आई होप ये यूनिट सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी अब, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।